हाय फ्रेंड्स, जीत रंगोली में मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। चलिए आज एक रंगोली से वाटर कलर इफेक्ट के एक सिनारी बनाना सीखते हैं। बहुत जैसे डिमांड हो रहा है कि सर वाटर कलर के जो सीनरी है वो रंगोली से कैसे बना सकते हैं, तो हमने ये यहाँ पर फोटो लिए जो सिंपल है। आसमान दिखाना है, दो चार झाड़ दिखाना है, कुछ ग्राउंड और एक घर दिखाना है। तो वाटर कलर इफेक्ट रंगोली बनाने के लिए सबसे पहले जो जितना जगह है वहाँ पर पूरा व्हाइट कलर से भर देंगे छन्नी के सहायता से। फिर जैसे आसमान में ब्लू कलर है तो ब्लू कलर में ब्लू और उनमें व्हाइट मिला के थोड़ा सा फेंट करना है। और फिर घर के लिए कुछ कलर और जो मैदान है उसके लिए जो हमने कुछ कलर बनाए, येलो, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन और ब्लैक। फिर ये सभी कलर को आपस में मिक्स करना है और इस प्रकार कुछ शेड बनाना है। जैसे अपने वो जैसे आप आसमान के शेड बना रहे हैं, कलर भर रहे, तो ये जो रंगोली है ये थोड़ा ऊंचा करके अपने को छोड़ना है ताकि वो थोड़ा फैला फैला हुआ हो, गिरे हो रंगोली। क्योंकि जब हम इस प्रकार की रंगोली बनाते हैं तो ये जो रंगोली है ऊपर से छोड़ना पड़ता है। जैसे आप घर बनाएंगे तो घर के लिए हमने यहाँ पर येलो कलर के साथ थोड़ा ऑरेंज कलर मिला है और ऑरेंज के साथ थोड़ा सा ब्लैक मिला के थोड़ा डार्क किए थे। तो पहले थोड़ा सा लाइट कलर लेंगे और फिर थोड़ा सा डार्क कलर और फिर उसमें और थोड़ा ज़्यादा ब्लैक मिलाएंगे। तो जो एकदम जो ज़्यादा डार्क होंगे उससे आउटलाइन करेंगे घर का। और जहाँ पे फोटो में कैसा कहाँ पे डार्क है कहाँ पे लाइट है वो देखना है और उस प्रकार के कलर अपने को भरते जाना है। तो इस प्रकार डार्क लाइट से घर बनाना है सिंपल सा। अपने को पूरा कलर नहीं भरना, एकदम डार्क कलर नहीं भरना, हल्का हल्का कलर भरना है और फिर उनमें से कोई भी एक डार्क कलर से आउटलाइन करना है, तभी जाके वो अपना वाटर कलर इफेक्ट आएगा। जैसे यहाँ पर जो मैदान के भाग है वहाँ पर डार्क ग्रीन है, फिर लाइट ग्रीन, फिर येलो है। तो पहले हमने जो डार्क ग्रीन में थोड़ा ब्लैक मिला था और डार्क हुआ तो वो कलर भरे पहले, उसके बाद ग्रीन कलर और उसके बाद लाइट ग्रीन और उसके बाद फिर येलो कलर भरना है। तो हमने कुछ पिछले कुछ दिनों से हम सीख रहे हैं कि कैसा कलर को ब्लेंड करना है, कैसा कलर को मिक्स करना है, तो वो सारे टेक्निक यहाँ पर यूज़ करना है कि किस प्रकार हम उसको मिला सकते हैं कलर से दूसरे कलर। जहाँ पे अपने को लगता है कलर मिक्स नहीं हुआ तो प्लेट में वहाँ से कलर उठाना है उससे जुड़े हुए, उससे रिलेटेड, और फिर वहाँ पर फिल करना है। जैसे पर डार्क कलर, फिर लाइट कलर, इस प्रकार जैसे फोटो में दिख रहे हैं उस प्रकार से भरते जाना है। अपने को सिर्फ जो कलर में जो प्लेट में जो कलर बनाते हैं शेड वो बनना जरूरी है। जैसे हमने कलर प्लेट में येलो रंगोली लिए थे, लाइट ग्रीन, डार्क ग्रीन और ब्लैक, और फिर लाइट ग्रीन और येलो को मिलाए थे, डार्क ग्रीन और लाइट ग्रीन को मिला के बीच में और एक कलर बनाए थे, डार्क ग्रीन और ब्लैक मिला के और एकदम जो डार्क है वो कलर बनाए थे। तो ये चार पांच जो कलर बनता है तो इससे फिर अपने को शेड करना रहता है। जैसे अपने यहाँ पर करीब करीब वो टच आ गया हमारे यहाँ पर जो डार्क लाइट और जो येलो कलर। अपने को जहाँ पर रेडिश कलर दिखाना है येलो में तो वहाँ पर येलो में हमने थोड़ा सा ऑरेंज कलर मिला हल्का सा तो वो थोड़ा सा रेडिश आया। फिर भी यहाँ पर आप ब्लैक कलर से भी कर सकते हो, या जो हमारे प्लेट में डार्क ग्रीन के साथ ब्लैक मिला के जो एकदम डार्क किए थे वो कलर से भी ये झाड़ का इफेक्ट दिखा सकते हैं। इस प्रकार कुछ झाड़ बनाना है।
हमारे प्लेट में जो डार्क कत्था कलर था ऑरेंज के साथ जो ब्लैक मिला के बनाए थे, वो भी जो डार्क कलर वो भी यूज़ कर सकते, जो दूर में जो दिखा रहे हैं झाड़, तो ये कुछ झाड़ बना लिए, इनको भी हल्का हल्का छोड़ना कलर बारीक से। और जो पीछे में जो झाड़ दिख रहा था फोटो में, तो वहाँ के लिए हमने जो लाइट ग्रीन बना था कलर, वो कलर दूसरे प्लेट में लिए और उसके साथ थोड़ा व्हाइट कलर मिक्स किए, तो वो ज़्यादा थोड़ा सा लाइट हो। एक्चुअली हमारे रंगोली में थोड़ा सा लिमिट होता है, वो वाटर कलर है और हमारे ये रंगोली है, दोनों मीडियम अलग अलग है, इसलिए थोड़ा बहुत तो फर्क आएगा, लेकिन फिर भी हम एक ओवरऑल एक लुक दे सकते हैं रंगोली से कि ये वाटर कलर इफेक्ट है और करीब करीब ऐसे दिखता है, तो हम बना सकते हैं वाटर कलर इफेक्ट के। बहुत दिन से डिमांड हो रहा था, अशोक कुलकर्णी सर जो हमारे अच्छा फ्रेंड है, उनका कमेंट था कि सर वाटर कलर रंगोली का एक सिनेरियो बनाइए। इसके पहले भी और बहुत सारे फ्रेंड ने बताए थे कि सर वाटर कलर इफेक्ट का जो सिनेरियो रहता है वो कैसा बनाते हैं, जो छोटा सा एक प्रयत्न आप लोगों के लिए यहाँ पर, तो यहाँ पर जैसे आउटलाइन नहीं किए तब भी हम ऐसा अच्छा दिखता है। यदि आउटलाइन करना चाहते हो, बॉर्डर बनाना चाहते हो, तो उसके लिए अपने को स्केल रखना है, एक स्केल रंगोली के अंदर और एक स्केल रंगोली के बाहर। तो जब भी हम स्केल रखते हैं तो स्केल को एक साइड रखना पहले, फिर दूसरे साइड, फिर धीरे से रखना है, उठाते समय भी वही करना है, एक साइड जो स्केल है उसको दबा के रखना है और दूसरे साइड से उठाना है। आपकी जो सीनरी है, जो भी रंगोली है, उसके बॉर्डर जितना फिनिशिंग आएगा, जितना शार्प आएगा, आपके रंगोली भी उतना ही अच्छा दिखेगा। भले हमने अंदर कैसे भी थोड़ा सा बिगड़ गए काम, लेकिन हम यदि ये बॉर्डर बनाना सीख गए अच्छे से, तो वो फिर वो जो रंगोली है वो ज़्यादा असरदार दिखेगा, ज़्यादा फिनिशिंग दिखेगा। जैसे हमने ये बॉर्डर तो बना लिए, लेकिन साइड में फिर भी स्केल से रंगोली बाहर जाता है, तो मैंने यहाँ पर ये मेरे एक शौक से पुराना जिससे मैं यूज़ करता हूँ क्लीन करने के लिए, साइड में अच्छा वर्क करता है। आप चाहे तो कॉटन बर्ड से कर सकते हो, उंगली से कर सकते हो, लेकिन मैं ज़्यादातर ये शॉक्स का यूज़ करता हूँ क्योंकि इसका जो कॉर्नर है ये ज़्यादा अच्छा है। तो इस प्रकार एक सुंदर सा बॉर्डर सॉरी वाटर कलर इफेक्ट है रंगोली बना सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आप जरूर कमेंट्स करके बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक बटन को दबा के लाइक कर दीजिए। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद, और अभी तक के सब्सक्राइब नहीं किए तो नीचे दिखाई दे रहे सब्सक्राइब के रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर बहुत सारे क्रिएटिव रंगोली देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।